Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP-801T Biostats and Research Methodology Unit 5 Design and Analysis of Experiment and Factorial Design. So let's begin. So first let's begin with design and analysis of experiment. तो design का मतलब क्या होता है? Plan. और analysis मतलब किस चीज़ को analyze करना, कैसे कैसे? Physical, chemical, biological, medical, social, psychological, economical, engineering, industrial science. किसी experiment को. Then जो design of experiment या फिर DOE वो क्या होता है? Process optimization technique है जो रिलाई डिपेंड करती है प्लान्ड एक्सपेरिमेंटेशन पे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिजल्ट की पर. और इसको हम और क्या कह सकते हैं कि एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है. क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस का डिज़ाइन, या सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस की प्रॉब्लम्स. देन ये बनाता है कंट्रोल चेंजेस किसमें? इनपुट वेरिएबल में, ताकि हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिले किसी कॉज पे और रिफ्लेक्ट कर सके वो रिलेशन मिनिमम सैम्पल साइज़ के साथ. और जब हम एनालाइज करते किसी प्रोसेस को या एक्सपेरिमेंट को, तो हम इवेलुएट करते कि कौन सा प्रोसेस इनपुट जो होगा उसका इम्पैक्ट होगा आउटपुट प्रोसेस पे, और हम पता लगाते हैं कि किस टारगेट लेवल पे जो इनपुट लेवल है वो अचीव करेगा डिज़ायर्ड रिजल्ट या फिर आउटपुट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ फैक्टोरियल डिज़ाइन. तो ये क्या होता है? ये वो होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स और फैक्टर्स एम्प्लॉयड होते हैं इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस सेलेक्टेड वैल्यू की हर वेरिएबल यूज़ हो. तो हम क्या बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल डिज़ाइन इज़ वन इन विच टू और मोर वेरिएबल्स और फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड इन सच अ वे दैट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल आर यूज्ड. इसमें दो एसेंशियल की पॉइंट्स होते हैं, फैक्टर और वेरिएबल. देन इसका एग्जांपल 2×2×2, जिसको हम लिख सकते हैं 2³. तो ये एक फैक्टोरियल डिज़ाइन है क्योंकि इसमें एक पैटर्न है. और एक और एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं 2×3×5, तो ये फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं है क्योंकि इसमें पैटर्न नहीं है. और जो पैटर्न होता है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है फैक्टोरियल डिज़ाइन का. जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे और लेवल्स पे, जिसको हम लिख सकते हैं z³. जो z है वो लेवल या बेस है, और जो k है वो पावर है या फिर फैक्टर है. देन जो फैक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव जो इंक्लूड करते हैं अल्फाबेटिकल वैल्यूज जैसे a³ या फिर हम इसको लिख सकते हैं a×a×a, और क्वांटिटेटिव जिसमें आता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जैसे कि 2³, जिसको हम लिख सकते हैं 2×2×2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2×2 फैक्टोरियल डिज़ाइन एंड 2×2×2 फैक्टोरियल डिज़ाइन. तो सबसे पहले 2² फैक्टोरियल डिज़ाइन. ये क्या होता है? ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनमें दो लेवल होते हैं, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जिसमें होती है रोज और कॉलम. जो रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल वाला कॉलम होता है, और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल वाला बॉक्स होता है. इनमें जो वैल्यूज़ होती है वो एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और वो इक्वल इन नंबर में होगी. जैसे कि 2² में क्या हो रहा है, 4 केसेस बन रहे, तो 2 पॉजिटिव होंगे 2 नेगेटिव होंगे. और अगर हम इसी को ही 3² में देखें तो 3×3 होता है 9. तो 9 को अगर हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो होगा 4.5. तो एक 5 हो जाएगा और एक 4 होगा. तो इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अब ये एग्जांपल है जिसमें हमने क्या बोला कि 4 केसेस होंगे, तो 2 पॉजिटिव ले लिए और 2 नेगेटिव ले लिए, और इसको ए वाले केस में और बी वाले केस में हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है. ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ. ये हमने लिया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 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 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें 2² थी तो हमारे 2 केस बने ए और बी,
अब देखते हैं 2 की पावर 3 में, तो इसमें 3 पावर होती है, तो हमारे इसमें 3 केसेस होते हैं ए बी और सी। 2 की पावर 2 वाले में हमारे 4 टोटल केसेस आए थे, जिसमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। इस वाले में 8 होते हैं, तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव होते हैं। इसमें भी हमको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सबसे पहले लेने हैं, तो इसमें हम इस तरीके से साइंस लेंगे कि 12 पॉजिटिव आएंगे और 12 नेगेटिव आएंगे इस तरीके से। तो इसमें 12 पॉजिटिव हैं टोटल और 12 नेगेटिव, और कोई भी पैटर्न जो है वो सेम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ए बी प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। देन अब बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम तरीके से सी ए को भी, इनमें भी 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। अब क्या करना है, ए बी इंटू सी करना है, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस 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 माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन इंटू माइनस तो माइनस। तो फाइनल भी क्या आया, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। अब आ जाते हैं इनके एडवांटेजेस फैक्टोरियल डिज़ाइन के, कि सेव्स टाइम, मेक्स टास्क इजी, यूज टू कंपेयर टी ट्रीटमेंट्स, इजी टू कैलकुलेट, हैज़ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन, परमिट्स इवेल्युएशन ऑफ इंट्रैक्शन इफेक्ट्स। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.